बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर दो सेशन के छात्र छात्राएं, एक की पार्ट वन की परीक्षा होनी है, दूसरे के पार्ट टू की रिजल्ट आनी है और पार्ट थ्री की परीक्षा भी ली जानी है, इसी साल ली जानी है और सेशन दुरुस्त करना है तो इसी साल पार्ट थ्री का रिजल्ट भी क्लियर करना होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। 1922 के पार्ट टू के छात्र छात्राएं रिजल्ट पर कल रिपोर्ट आई थी, उस पर मैंने थोड़ा सा बात यह किया था कि पार्ट थ्री एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, एक अनुमान हमने लगाया था। उसके बाद आज जस्ट दैनिक जागरण ने उस रिपोर्ट को प्रिंट किया कि पार्ट थ्री का जो एग्ज़ाम होगा वह कब तक के हो सकता है, तो देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले 21 से 24 के पार्ट वन के छात्र छात्राएं जो आपका एडमिट कार्ड जो इससे पहले जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें कहा गया था कि आपको 12 अक्टूबर से आपको अपने संबंधित कॉलेज में एडमिट कार्ड मिलेगा। 1922 के यदि आप है कोई स्टूडेंट और आप प्रमोटेड है या आप जो है 20 से 23 के साथ आपने एग्ज़ाम दिया था पार्ट वन क्लियर करने की, लेकिन पार्ट वन क्लियर हुआ नहीं, फिर से आपका जो है कि प्रमोटेड वाला सब्जेक्ट फेल हो गया, तो आपने फिर फॉर्म भरा होगा इसके साथ 21 से 24 वाले के साथ, तो प्रमोटेड वाले का भी एडमिट कार्ड आएगा। साथ ही 20 से 23 के कोई स्टूडेंट है और उन्होंने भी पार्ट वन क्लियर करने के लिए कुछ पेपर फंस गया था तो 21 से 24 वाले के साथ एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा था, तो प्रमोटेड वाले का भी अलग एडमिट कार्ड आता है, न्यू एडमिट कार्ड। साथ ही जो रेगुलर 21 से 24 के हैं उनका अलग एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड आएगा दोनों का आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉलेज से ही जारी किए जाएंगे स्नातक पार्ट वन के एडमिट कार्ड 21 से 24 के छात्र छात्राएं। जैसे कि लगभग 2 सालों से होती आ रही है कि आपको एडमिट कार्ड जो अपने संबंधित कॉलेज से आपको मिलता है, ऑनलाइन आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। खैर एडमिट कार्ड तो खैर कभी डाउनलोड आपको ऑप्शन नहीं दिया यूनिवर्सिटी, लेकिन हाँ फॉर्म भरने के लिए 2-3 साल तक जो है 2-3 सेशन के साथ यूनिवर्सिटी ने ये ऑप्शन दिया था कि आप ऑनलाइन खुद से फॉर्म भर सकते थे परीक्षा फॉर्म, लेकिन अब उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि मिस्टेक बहुत सारी पाई गई थी। तो इसमें देखिएगा तो आज की रिपोर्ट में ओवरऑल यही कहा गया है 21-24 के साथ साथ है कि आपको अब 12 की जगह 13 तारीख से आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एडमिट कार्ड लेने के लिए जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म स्लिप मिला था, फॉर्म का स्लिप कौन वाला, पेमेंट वाला, जो आपने पेमेंट किया था ना फॉर्म भरने के लिए, तो जो आपको स्लिप या रसीद मिला था उस रसीद को लेकर के आपको कॉलेज में जाना है और एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब कुछ छात्र छात्रा कह रहे हैं कि कॉलेज ने मुझे रसीद दिया ही नहीं है, तो जो कॉलेज रसीद नहीं दिया है वो मांगेंगे भी कैसे, जो कॉलेज रसीद दिया है वो तो खैर मांगेगी ना। यदि आपका कॉलेज आपको रसीद दिया है स्लिप, तो फिर वो कॉलेज मांगेगी आप ले करके जाएंगे, यदि नहीं दिया है तो फिर कोई बात नहीं आप ऐसे ही जाएंगे, कैंडिडेट का वहाँ पर जाना ज़रूरी है, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो एडमिट कार्ड की आप देख पा रहे हैं कि 13 तारीख से आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद से आप देखेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पार्ट टू का रिजल्ट 19 से 22 वाले का तैयार है, उसके बाद यहाँ आप देखिएगा कि इधर पार्ट टू परीक्षा का रिजल्ट भी तैयार कर लिया गया है। पार्ट टू की परीक्षा में 55,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, ये डेटा गलत है, 55,000 वाला आ गया कि पार्ट टू परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद पार्ट थ्री सत्र 19 से 22 की परीक्षा 1 से 2 महीनों में ले ली जाएगी। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने कल अनुमान लगाया था, बिल्कुल यही अनुमान जो है दैनिक जागरण आज लगाई है, मुझे लग रहा है उस रिपोर्ट को देख करके लगाई होगी। तो यदि यहाँ पर आप देखेंगे आपका रिजल्ट यदि आ जाता है आपको 20 अक्टूबर तक भी आपका रिजल्ट मान लेते हैं कि दिवाली से पहले आ गया, तो इस बीच में फिर यूनिवर्सिटी जो है 22 से मतलब ये महीना पूरा बंद रहेगी, 22 से लगभग 30 तक ये महीना गायब। उसके बाद से नवंबर में पार्ट वन का एग्ज़ाम है 21 से 24 वाले का 15 नवंबर तक, उसके बाद से फिर 21 से 24 वाले का जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हो सकता है विश्वविद्यालय चाहे तो नवंबर के महीने में 15 नवंबर के बाद ही लेकिन आपका फॉर्म फिलअप करवा ले, लेकिन ये भी देखना है विश्वविद्यालय को कि पार्ट टू रिजल्ट जब जारी करती है तो विश्वविद्यालय जब जारी करेगी उसके बाद से कितना पेंडिंग आता है, क्या 100% रिजल्ट सभी का क्लियर होगा या कुछ का पेंडिंग होगा। प्रमोटेड और फेल तो खैर देखिए पेंडिंग प्रमोटेड और फेल बिहार विश्वविद्यालय ने अब तक के जो रिजल्ट जितने भी जारी किए हैं ग्रेजुएशन की ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100% जो है कि रिजल्ट क्लियर आया हो। इससे पहले वाला रिजल्ट में भी 1500 स्टूडेंट का जो है रिजल्ट पेंडिंग था। हालांकि बिहार विश्वविद्यालय में एक मिस्टेक हमने ये देखा है कि जब रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद से जब रिजल्ट पेंडिंग हो जाते हैं तो पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करने के लिए विश्वविद्यालय अपने लेवल से कोई खास जो है इंतजाम नहीं करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करने के लिए कोई कमेटी गठित कर दिया गया हो और कॉलेज और उस कमेटी से लगातार बातचीत हो, TR जल्द से जल्द कॉलेज में भेज दिया गया हो और उस कमेटी के सहयोग से तमाम छात्र छात्राओं के रिजल्ट पेंडिंग जो थे वह क्लियर हो गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो बिहार विश्वविद्यालय में एक ये कमी है कि पेंडिंग जब रिजल्ट हो जाते हैं तो इसको क्लियर करने के लिए कोई स्पेशल जो कमेटी है या स्पेशल टीम है इसके ऊपर काम नहीं करती है,
व्यवस्था काम करती है और व्यवस्था काफी लाचार व्यवस्था है। तो मोटा मोटी यही कहा जा सकता है कि पार्ट टू रिजल्ट काफी मैटर करेगा पार्ट थ्री एग्जाम में। पार्ट टू रिजल्ट कितना साफ सुथरा आता है, उसके बाद जो है पार्ट थ्री का परीक्षा फॉर्म कितना जल्दी फिलअप होगा। पेंडिंग वगैरह कम रहा तो जल्दी परीक्षा फॉर्म फिलअप होंगे, रिजल्ट ठीक ठाक आया तो। जैसे कि पार्ट वन में कैसे हुआ था आपका कि एकदम पता ही नहीं चला था कि रिजल्ट देखें कैसे, और काफ़ी दिनों तक रिजल्ट गड़बड़ाया था, इसलिए उस फॉर्मेट पर इस बार रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। रिजल्ट का फॉर्मेट चेंज होगा, हम आपको बताएंगे रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे। लेकिन हाँ, साफ सुथरा रिजल्ट आया तो जल्द से जल्द आपके पार्ट थ्री के परीक्षा फॉर्म फिलअप होंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पार्ट थ्री का एग्जाम दिसंबर जनवरी से आएगा। ठीक, बाकी जो रिपोर्ट की हम आपको समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।